Good morning, everyone. So today we will start the landmark judgments on Article 16. Article 16 is totally related to the public employment. So यहाँ पर हमने पढ़ा है कि there shall be equality of opportunity for all the citizens in matters of employment under the state. There should be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth of any of them. यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसके लिए, फॉर द जॉब पर्पस इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट केस वी विल डिस्कस मार्कंडेय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ था कि जो भी सुपरवाइजर्स थे, जो भी पर्सन जॉब कर रहे थे एज अ सुपरवाइजर्स, तो कुछ उसमें से ग्रेजुएट थे और कुछ उसमें से नॉन ग्रेजुएट थे. ठीक है, क्लियर है ये. तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने केस फाइल किया, जो भी नॉन ग्रेजुएट थे उन्होंने सुपरवाइजर्स ने क्या केस फाइल किया कि देर वॉज अ डिफरेंसिएशन, देर इज अ डिफरेंसिएशन. यहाँ पे डिफरेंसिएशन है किसमें, इन द पे स्केल्स फॉर द ग्रेजुएट एंड नॉन ग्रेजुएट सुपरवाइजर. ठीक है, तो लेकिन जो हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, वो दोनों का सिमिलर है. तो हाउ इट इज पॉसिबल, जो हमने वर्क परफॉर्म किया है वो तो सिमिलर है, लेकिन आप जो पे स्केल दे रहे हो वो अलग दे रहे हो. समझ में आ रहा है, जो हम आपको काम दे रहे हैं वो तो दोनों का एक जैसा है, ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का. ठीक है, लेकिन जो हमने आउटपुट दिया वो आपको, वो दोनों का सेम वर्क है, लेकिन जो आप हमें पे स्केल दे रहे हो वो तो डिफरेंट है. तो आप ऐसा डिफरेंसिएशन क्यों कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो. ठीक है, उन्होंने बोला द वर्क परफॉर्म बाय बॉथ, जो हमने वर्क परफॉर्म किया है वो दोनों का सेम है. ठीक है, और ये चैलेंज किया गया कोर्ट के सामने, और उन्होंने बोला कि इससे हमारा जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो क्या हो रहा है, वो वैलिड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 16 सब क्लोज 1 जहां पे मेंशन क्या है कि देयर शैल बी इक्वालिटी, देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजंस इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, इन्होंने ये बोला, और किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, इसके बेस पे किसी साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि जो आर्टिकल 16 सब क्लोज 1 है वो क्या नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है. स्टेट के पास पावर है क्या, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है, किसके बेस पे, रैशनल बेसिस पे वो क्या कर सकती है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है, किसके बीच में, दो पर्सन के बीच में. ठीक है, समझ में आ रहा है. यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में जो बोला गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वो एब्सोल्यूट नहीं है. यहाँ पर स्टेट के पास पावर है कि वो रीजनेबल ग्राउंड्स पे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कर सकती है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन बना सकती है. ठीक है, अगर दोनों ही पर्सन में क्या है, वैलिड डिफरेंस है, वैलिड रीजनेबल डिफरेंस है, तो वहां पे दोनों पर्सन के बीच में क्या कर सकती है, रैशनल क्या है, रैशनल डिफरेंस है, तो दोनों पर्सन के बीच में क्या कर सकती है, डिफरेंस कर सकती है. ठीक है, तो इस केस में बोला गया कि जो डिफरेंस बेस था, ठीक है, मार्कंडेय केस में बोला कि यहाँ पे दोनों वर्कर्स को अगर सिमिलर सैलरी नहीं मिल रही है, जो डिफरेंस है वो किस चीज से बेस्ड है, वो जो भी आप दोनों की क्वालिफिकेशन है उस पे बेस्ड है. ठीक है, दोबारा कहती हूँ, इन दिस केस द डिफरेंसिएशन वॉज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन बिटवीन बोथ द पर्सन्स. ठीक है, तो कोर्ट ने क्या हेल्ड, क्या किया, दस द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि दिस इज वैलिड, ये वैलिड है. ठीक है, दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पे क्या था, नॉन ग्रेजुएट जो भी सुपरवाइजर थे उन्होंने क्या किया था, केस फाइल किया था, उन्होंने बोला कि देर इज डिफरेंसिएशन इन द पे स्केल. ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंसिएशन है पे स्केल में ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट सुपरवाइजर के, लेकिन जो हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों का सेम है. ठीक है, तो ये चैलेंज किया गया कोर्ट के ग्राउंड पे कि हमारा जो आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, वो क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा राइट है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है. ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि जो आपके पास आर्टिकल 16 में सब क्लोज 1 में आपके पास बोला गया है कि कोई भी डिफरेंसिएशन नहीं होगा दोनों के को किसी भी बेस पे, किसी रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर के बेस पे डिफरेंसिएशन नहीं होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं है. और स्टेट के पास पावर है यहाँ पे कि स्टेट क्या कर सकता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ सम रैशनल
लेवल, ठीक है, और बिटवीन टू पर्संस। तो इस केस में जो डिफ्रेंसिएशन था, इन दिस केस द डिफरेंस वॉज बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन बिटवीन द पर्संस, दस द कोर्ट हैल्ड दैट इट इज वैलिड। ठीक है, ये आपका केस है मार्कंडेय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका बेटा स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम 1951 का केस है। ये भी आपका बहुत फेमस केस है। ठीक है, इस केस में बोला गया था, इस केस में क्या कहा गया था कि जो मद्रास गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया इस केस में। ये केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम 1950 केस का, 1951 का केस है। ठीक है, तो इस स्पेशली यहाँ पे क्या किया, जो मद्रास गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, सीट रिजर्व कर दी। द मद्रास गवर्नमेंट हैज रिजर्व प्लेसेस किसमें, कहाँ पे, इन द स्टेट, जो स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज थे, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट जो भी थे उनमें सीट रिजर्व कर दी। और किस बेस्ड पे की बेटा, उन्होंने की वेरियस कम्युनिटीज के लिए की। ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासेस, क्लास के बेस पे, रिलीजन के बेस पे एंड रेस के बेस पे। ठीक है, और जो वॉयलेट करता था आर्टिकल किसको, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 को। ठीक है, मैं दोबारा से बताऊंगी, जो मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया, मद्रास गवर्नमेंट ने सीट रिजर्व कर दी जो भी स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेजेस से, उनमें। और किस बेस पे सीट रिजर्व की, वेरियस कम्युनिटीज के लिए की, बेस्ड ऑन क्लासेस, रिलीजन एंड रेस। ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और बोला गया ये वॉलेट कर दिया हमारे आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 को। ठीक है, इसमें 15(1) और 16 दोनों ही कवर हो गए इन केसेस में। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो आर्टिकल है 15 सब क्लोज 1 को वॉलेट कर दिया। आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 में बोला क्या गया है कि स्टेट, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, कभी भी स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी अगेंस्ट एनी सिटीजन किसी भी सिटीजन में ऑन द ग्राउंड, कौन से, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बेस्ड पे स्टेट कभी सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे स्टेट ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रिलीजन एंड रेस, तो इसको चैलेंज कर दिया। तो इन्होंने बोला दिस वॉज चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। क्या बोला गया, इट वॉलेट्स आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, ठीक है, कि जो स्टैट्यूट ने क्या किया, सीट रिजर्व की, वो किस बेस पे, रेस पे, रिलीजन पे एंड कास्ट पे। ठीक है, तो ये क्या है, क्या ये वैलिड थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या हम आर्टिकल, हम देखेंगे आर्टिकल 15 सब क्लोज 4। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला, स्टेट ने बोला मद्रास के लिए कि हमारे पास राइट है आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 में, हमारे पास राइट है कि हम सीट रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन स्टेट ने क्या बोला, फिर क्या कोर्ट ने क्या बोला, क्या डिसीजन आया, कोर्ट ने बोला कि हाँ आपके पास राइट तो है, स्टेट इज परमिटेड, स्टेट परमिटेड तो है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन, आप सीट रिजर्व कर सकते हो, टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए आप सीट रिजर्व कर सकते हो, या फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप सीट रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में क्या कर सकते हो, ऑफर कर सकते हो क्या, फीस डिस्काउंट को और सीट रिजर्व को, इन बेस पे। ठीक है, तो आर्टिकल क्या करता है, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 15(4), ये क्लॉज सब क्लॉज 4 ये आपको देता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 गिव्स द स्टेट अथॉरिटी टू मेक स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली क्लासेस ऑफ सिटीजंस। तो जो इन्होंने बोला था कि जो सीट रिजर्व की गई है वो वैलिड है या नहीं है, वो यहाँ पे जो इन्होंने सीट रिजर्व की थी किसमें, क्लासेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, वो क्या थी, इनवैलिड थी, वो वैलिड नहीं की थी। ठीक है, वो वैलिड सीट रिजर्व की गई जो वैलिड नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास केस आता है के एम नैनावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
1959 का केस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इस केस में के एम नैनावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1959 में, ठीक है। इसमें जो पर्सन था उसने क्या, उसको क्या क्या था, उस पे चार्ज लगे थे किसके, आईपीसी 302 के और 304 ऑफ द आईपीसी, और उसको ट्राई किया था किसने, सेशन जज ने, ठीक है, विद द एड ऑफ द जूरी। उस टाइम जूरी भी बैठते थे साथ में, ठीक है। लेकिन जूरी ने पास की वर्डिक्ट, जूरी ने जो जजमेंट दी उन्होंने गिल्टी नहीं किया उस पर्सन को बाय द 8-1 मेजोरिटी से अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो जूरी ने उसको क्या नहीं किया, कन्विक्ट नहीं किया, ठीक है, उसको छोड़ दिया, ठीक है, उस पर चार्जेस नहीं लगाए। लेकिन वहां पे जो पर्सन था उस पर क्या, जो नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट ये केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, वहां पे उस पे सेपरेट जजमेंट आई, और यहाँ पे एक्यूज्ड को गिल्टी कर दिया गया मर्डर, इसमें अंडर द एक्यूज्ड वाज गिल्टी ऑफ द मर्डर, ठीक है, उस पे चार्जेस लगाए गए अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, ठीक है। और उस क्या दी गई, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दी गई, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ, ठीक है। तो जो बोथ द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो जस्टिस थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोथ द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट स्टेटली दैट, उन्होंने बोला देयर वाज मिस डायरेक्शन टू द जूरी, जो जूरी ने डिसीजन दिया वो गलत था, ठीक है, एंड दैट अक्यूज्ड वाज, और जो अक्यूज था वो क्लियरली क्या था, गिल्टी था किसका, मर्डर का, ठीक है, सुन आ रहा है, वो जो एक्यूज था वो क्लियरली गिल्टी था मर्डर का, उसने मर्डर किया था, साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सेशन कोर्ट में जो जूरी था उसने क्या किया, वो जज के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने क्या बोला कि जो क्या है, जो अपेलेंट जो पर्सन है उस पे जो चार्ज लगे हैं 302 304 के, वो क्या है, उसको हम कन्विक्ट नहीं करार कर सकते, और उन्होंने यहाँ पे अपनी जजमेंट दी, ठीक है, 8-1 मेजोरिटी से, और उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन ये केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि यहाँ पे इस पे क्लियरली शो हो रहा है कि 302 304 के इस पे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने हार्ड किया अक्यूज्ड वाज गिल्टी ऑफ द मर्डर अंडर 302 ऑफ आईपीसी, और उसको सेंटेंस दी गई रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ। और जो जस्टिस थे, दो जज बैठे थे, बोथ ऑफ द जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, उन्होंने बोला देयर वाज मिस डायरेक्शन, जो उन्होंने जूरी ने डिसीजन दिया वो गलत था, और वे क्या करता है, एंड द अक्यूज जो क्लियरली जो अक्यूज था वो क्लियरली श्योर है उसने मर्डर किया था, ठीक है। तो जिस जो इसमें जो जूरी का डिसीजन था वो इसमें गलत था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केस रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है आपका, वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस है, ठीक है, जिसमें इक्वल, जो किस पे था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। ये किस में आता है आपका, डीपीएसपी में कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये कब आया था, किस 1982 में केस आया था, ठीक है। तो फैक्ट्स क्या थे इस केस के, द पिटिशन वॉज ब्रॉट बाय ड्राइवर कॉन्स्टेबल वर्किंग फॉर द दिल्ली पुलिस फोर्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसने पेटिशन डाली उसका नाम रणधीर था, ठीक है। वो कौन थे, वो ड्राइवर थे, ठीक है, जो काम करते थे दिल्ली पुलिस फोर्स के लिए, जो आता है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो जो स्केल था, जो ड्राइवर्स का स्केल था, जो दिल्ली पुलिस फोर्स के अंदर आ रहे थे, उनका जो स्केल फिक्स किया गया था वो लॉ स्केल था, किससे, उन ड्राइवर से जो काम करते थे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, सेक्रेटरिएट में, फायर ब्रिगेड में, ठीक है। तो मैं दोबारा से बताती हूँ, ये जो केस है रणधीर सिंह का, इसमें रणधीर सिंह नाम के ड्राइवर ने पिटिशन फाइल की थी, ठीक है, जो काम करता था दिल्ली पुलिस फोर्स में अंडर द मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। जो पे स्केल था, द पे स्केल ऑफ द पे फॉर द ड्राइवर इन द दिल्ली पुलिस फोर्स वॉज फिक्स्ड, वो फिक्स कर दिया गया था, क्या वो लो पे स्केल था उन ड्राइवर्स के लिए जो ड्राइवर काम कर रहे थे अंडर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेक्रेटरिएट और फायर ब्रिगेड में, इनसे कम था, ठीक है। तो जो पेटिशनर था रणधीर सिंह, इन्होंने दूसरे जो ड्राइवर्स थे जो दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते थे, उनके साथ मिलके क्या क्या है, इन्होंने केस फाइल किया, क्या किया, रिट फाइल की सुप्रीम कोर्ट के सामने अप्रोच किया, ठीक है।
उन्होंने बोला कि हमें भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर हम सेम काम कर रहे हैं तो हमको सेम ही वर्क सेम ही पैसा दिया जाए। द पेटिशनर अलोंग विद अदर ड्राइवर्स कॉन्स्टेबल अंडर द सेम पे स्केल हैड मेड अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द अथॉरिटीज एज दियर केस वाज नॉट कंसीडर्ड सेपरेटली बाय द थर्ड पे कमीशन के अंदर। उनको पे स्केल नहीं दिया जा रहा है, उनको भी थर्ड पे स्केल के अंदर पे स्केल दिया जाए, ठीक है, तो उनका भी जो पे स्केल है वो बेटर किया जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में Article 32 में, ठीक है। तो वहां पे इश्यू अराइज हुआ वेदर द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड, क्या एम्प्लॉय के पास भी राइट है सिमिलर पे स्केल के लिए, ठीक है, जो कि काम जो कि सेम उस लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो वहां पे जजमेंट आई, कोर्ट ने जजमेंट दी, ठीक है, कि जो आपका इश्यू है इक्वालिटी का रेम्यूनरेशन में, इस केस में उन्होंने कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, पहली बात तो जो आपका प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो वॉज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर, वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर नहीं हुआ है एज अ फंडामेंटल राइट। सुना रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल है कि आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इट वॉज रिकॉग्नाइज, सिर्फ ये रिकॉग्नाइज किया गया है टू बे कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल। ये किस में आता है आपका DPSP में आता है, Article 13 सपोज Article 39 सॉरी Article 39 सप्रोजरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोक्लेम करता है किसके लिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। ये क्या है आपका एज अ क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, समझ आ रहा है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने ये भी दोबारा सुनाती हूँ, कोर्ट ने बोला जो आपके आप बोल रहे हो ना कि आप बोल रहे हो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर हम इक्वल काम करें तो हम इक्वल पे ही प्रोवाइड करो, ये आपका आप इसकी डिमांड नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका बस एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आप कभी भी कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, आप फंडामेंटल राइट को तो कर सकते हो, लेकिन कोर्ट ने फिर बाद में बोला, कोर्ट ने भी कंसिडर किया कि जो Article 14 और Article 16 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ पढ़े जा सकते हैं। वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो कंसेप्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो क्या किया जा सकता है, वो वहां उस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के हम कंक्लूजन पे आ सकते हैं अगर जो फैक्ट्स अप्लाई किए गए हैं उन फैक्ट्स वहां पे हमें लगता है वो फैक्ट्स जेन्युइन है, ठीक है। तो लेकिन वहां पे क्या, वहां पे इस आर्टिकल को प्रॉपर अप्लाई किया जाना चाहिए। तो कोर्ट कैसा लगा, जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कर्मचारियों के द्वारा वो वैलिड हैं, ठीक है, वो इस कंक्लूजन में पहुंचे। वहां पे Article 14 और 16 दोनों ही कंसिडर हुआ, ठीक है, और Article 39 सपोज डी भी कंसिडर हुआ। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा, वो फिक्स करेगा एक पे स्केल को, एक क्या करेगा एक लेवल पे जो कि एटलीस्ट इक्वल होगा उन ड्राइवर्स के जो काम करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। द्वारा ताती हूँ, कोर्ट ने डिसीजन दिया, द कोर्ट ऑर्डर्ड द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन टू फिक्स द पे स्केल एट अ लेवल दैट इज एटलीस्ट एट पार विद द ड्राइवर्स ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बलबीर कौर वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया Year 2000, ठीक है। आपने बात सुनी भी होगी, जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो वहां पे जो पेरेंट्स की जॉब मिल जाती है उसके बच्चों को, वो क्या होता है एक कंपनसेट ग्राउंड होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है कि जो फैमिली होती है वो सफर करती है ग्रेट पेन को और डिफिकल्टी को, ठीक है। तो इस केस में जो अपेक्स कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, बलबीर सिंह के केस में उन्होंने हेल्ड किया कि जो अपॉइंटमेंट है वो की जा रही है कंपनसेट ग्राउंड पे, ठीक है, किसकी, सन की, डॉटर की या विडो की, वो सहारा देती है फैमिली को क्या करने में, जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ है, इकोनॉमिक जो भी उन्हें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो उसे वो क्या मिल देती है, एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्योंकि अगर एकदम से फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, एकदम से फैमिली में डिफिकल्टी आई है, पेन आया है, तो वहां पे क्या हो रहा है, उससे फैमिली पूरी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और जो भी जिस बच्चों को भी क्या किया जाएगा, जो भी बच्चा अपने पेरेंट्स की जगह जॉब लेगा वो क्या होगा, वो भी वैलिड होगा, द सर्वेंट हैज बीन हेल्ड टू बी वैलिड। जो भी उसको जो भी बच्चा, मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब में काम करूँ तो मैं एज अ सर्वेंट ही कंसिडर होंगी ना, तो इस यहाँ पे एक्सपर्ट ने बोला द सर्वेंट हैज बीन हेल्ड टू बी वैलिड, मुझे वैलिड करार दिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था आपका
कि पेरेंट्स की जगह बच्चे जो अब ले सकते हैं, बलबीर कौर वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद है आपका नेक्स्ट केस है शिव चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस है 1965 का। इस केस में क्या है कि जो प्रोविजंस है कंपल्सरी रिटायरमेंट के, ठीक है, तो वहां पे क्या है ये इन्फ्रिंज नहीं करते आपके आर्टिकल 14 और 16 को, ठीक है। अगर मान लो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो रही है, ये क्यों हो रही है, या तो आपकी एज पे बेस्ड है ये, या फिर मान लो मैंने क्या किया है, मैंने बीएससी एमएलटी किया है या फिर मैंने लॉ किया है और उसमें बच्चे हो गए हैं ज्यादा, बच्चों ने लॉ ज्यादा कर लिया है, लेकिन वहां पे क्या है वहां पे जो भी पुराने जो कर्मचारी हैं वो ही इतने हैं कि हमें सीट्स नहीं मिल सकती, नई सीट्स नहीं आ सकती, नई वैकेंसीज नहीं आ सकती, तो वहां पे गवर्नमेंट कंपल्सरी रिटायरमेंट का प्रोविजन निकाल सकती है, या फिर उनकी एज ही इतनी हो गई 55 तक उनकी एज लिमिट कर दी गई है कि इस एज पर आपको रिटायरमेंट लेनी है। तो अगर जो प्रोविजन है कंपल्सरी रिटायरमेंट का वो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 उसको इन्फ्रिंज नहीं करेंगे, वहां पे उनको रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी। ये केस आपका शिवचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का 1965 का केस था ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केस आईस ये क्या है आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस, ठीक है। तो इसमें मेन इश्यू जो इस केस में आया उसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कैन एन अमेंडमेंट बी कंसिडर आर लॉ, अगर हम जो अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या उसको लॉ कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया वेदर और नॉट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर द आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, अगर आप ऐसा करोगे भी तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जरूरत पड़ेगी मॉडिफाई करने के लिए राइट्स को, ठीक है। और ये नोट किया गया कि वाइल अंडर आर्टिकल 368 आउटलाइन द प्रोसेस फॉर द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 368 में ये राइट देता है क्या करने के लिए, प्रोसेस अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन ये ग्रांट नहीं करता पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए, ठीक है। दोबारा सुना रही हूँ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड पंजाब का केस था 1967 का। इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ क्या अगर हम जो अमेंडमेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ लॉ या फिर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 13, नहीं किया जा सकता। इट वॉज नॉटेड दैट वाइल आर्टिकल 368 आउटलाइन द प्रोसेस फॉर द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट डज नॉट ग्रांट पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू डू सो, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या कर दे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर दे, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, इसके बाद का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिफाइन किया बेसिक स्ट्रक्चर इसमें, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिफाइन किया, कोर्ट ने हेल्प किया, ठीक है, कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है किसी भी पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पोर्शन को, या फिर उसने उन्हें बोला कि पार्लियामेंट के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पोर्शन को अमेंड कर सकती है, ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन वहां पे पार्लियामेंट की ड्यूटी बनती है जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एब्रोगेट नहीं करोगे आप, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सुना रहा है, इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास राइट है क्या करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पोर्शन को अमेंड करने का, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी, लेकिन आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको एब्रोगेट उसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ये हमारे कुछ केसेस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अभी नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और केसेस डिस्कस करेंगे हम। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।